हेलो राने, बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कौन बोल रहा है? रवि, रवि बोल रहा हूँ राने। अच्छा, सामने आओ तो बात बने दोस्त। सुन राने, तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। जितनी शराब पीनी है पी ले, जो ऐश करनी है कर ले। तेरे आने वाले दिन भारी है राने, तुझे पूरे समाज के सामने नंगा करूंगा, ये मेरा वादा है। रणबीर सिंह, आप क्या हाँ? आप सूख गया तो मैं बोलते क्यों नहीं? अजय, देखो ये नाटक मेरे साथ अब और नहीं चलेगा। तुम्हारी वजह से तुम्हारा वो हरामजादा साला रवि अभी तक जिंदा है, वरना वो तो चौबीस घंटे के अंदर अंदर आपका कैसेट आपको मिल जाएगा सर। रणवीर सिंह, सिर्फ 24 घंटे, 24 घंटे जी। हेलो, करेक्ट जी, एक मिनट भाई, ये भाई फोन। हेलो, रवि बोल रहा हूँ। नशा उतर गया या अभी बाकी है? कौन से नशे की बात कर रहे हो रणबीर सिंह? पहेलियां बूझने और बुझाने का वक्त निकल चुका है रवि, कुछ खुली खुली बातें हो जाएं। जगह और वक्त मार्ड आइलैंड, शाम को 5 बजे। अपनी पिस्तौल लाना मत भूलना रणबीर सिंह। बहुत बड़े कारीगर हैं आप, बहुत बड़े रणबीर सिंह। लोग सोने में खोट मिलाकर जेवर बनाते हैं, लेकिन आप खोट पे सोने का पानी चढ़ाकर जेवर के भाव बेचते हैं। बहुत बड़े कारीगर हैं आप। जिस दिन अविनाश गायब हुआ, उसके अगले दिन आपको तरक्की के ऑर्डर्स मिले, 20 रुपया महीना। एक बात कहूं, बहुत सस्ते में बेचते हैं आप अपने आप को। रवि, जिस सिस्टम ने मुझे जन्म दिया, वो मुझसे तुमसे बहुत बड़ा है। इस सिस्टम ने अविनाश को फांसी की सजा दी और मुझे रस्सी खींचने की ड्यूटी। अगर मैं ये काम करने से इनकार कर देता तो रस्सी कोई और खींचता और मैं नौकरी से जाता, और शायद इस दुनिया से भी अविनाश की तरह। मैंने इन हालात में वही किया जो एक अकलमंद आदमी करता। मैं जिंदा रहा रवि, सिर्फ जिंदा रहा। आपका ये सिस्टम मुझे भी फांसी से कम सजा क्या देगा? मजा आ जाए रणबीर सिंह, अगर मेरे लिए भी रस्सी आप ही खींचे। तुम तो कब के खत्म कर दिए गए होते अगर मैं तुम्हें बार बार नहीं बचाता। अगर अब भी तुम मेरा साथ नहीं दोगे रवि, तो मैं शायद तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। साथ देने का मतलब है कसेट में आपके हवाले कर दूं, बदले में सरकारी नौकरी, दौलत, जो मांगो। और अगर मैं ना कहूं तो? मैं जानता हूं रवि, तुम्हारी अपनी नजर में तुम्हारी अपनी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी बहन, फिर मां, फिर शैला जाएगी, और इनके खून के जिम्मेदार तुम होगे। अरे, मुझ पर तो एक गैर के खून का इल्जाम है, लेकिन तुम पर अपनों के खून का इल्जाम आएगा। अब बोलो, तुम्हारे अपने जमीर की अदालत में कौन बड़ा मुजरिम है, तुम या मैं?
तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे ख्याल पढ़ा करती थी, लेकिन आजकल आजकल नहीं पढ़ पाती। ख्यालों के धागे कुछ उलट से गए हैं इसलिए। शशि, मैं समझता था कि मेरे लिए कोई भी फैसला करना बहुत आसान है। सच्चे और झूठे में से किसे फांसी पर लटकाना, मेरा जवाब होता झूठे को। लेकिन अगर झूठ सच के कांधे पर बैठा हो तो फैसला तुम्हारे बस में है। हाँ शशि, इस केस में वकील भी मैं हूं, जज भी और जल्लाद भी। वकील का काम मैं किए देता हूं, बाकी दोनों काम तुम्हें करने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स और कसैत से यह साबित हो जाता है कि कमला सिंह का खून किन लोगों ने किया। इन लोगों को बचाने के लिए और 20 रुपया तरक्की पाने के लिए रणबीर सिंह ने पुलिस की वर्दी में अविनाश का खून किया। अविनाश के खून पर पर्दा डालने के लिए अंशाम का खून हो गया और अनवर को पागल कर दिया गया। अगर मैं यह सबूत कानून के हवाले कर देता हूं तो एक बेटे से उसका बाप और अपनी बहन से उसका सुहाग छिन जाता है। शशि, मुझे तुम्हारी खुशी छीनने का कोई हक नहीं है। यह सबूत मैं तुम्हारे हवाले कर देता हूं। तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपते हुए मेरे जमीर पर कोई बोझ नहीं है। यह फैसला करते हुए तुम ये मत सोचना कि सिद्धांतों का क्या होगा। आज मेरे लिए तुम्हारी खुशी उन सिद्धांतों से बहुत ऊंची है। तुम जो चाहो फैसला करना। तीन यादें बाकी है। करमजलि क्यों जला रही है? मां जब पिताजी मर गए थे तो उनकी सारी निशानियां तुमने ऐसे ही खत्म कर दी थी। अब कौन मरा है यहां? निशानी जला देने से यादें मिट जाती है ना मां? तू समझता है क्या कह रही है? मुझे सच सच बता, तुम्हें क्या लगा मैंने सबूत जला दिए ना? एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं ऐसा कर सकती हूं? शशि, नहीं नहीं, नहीं शशि।